Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about pharmacognosy, which is first book of your course, and today we will discuss its first chapter, which is very very important, and you have to read it very carefully because MCQs ke lihaz se aur short question ke lihaz se bhi isme har saal questions ko repeat kiya jata hai. आज हमने इसमें पढ़ना है फार्माकोग्नोजी क्या है, इसका इंट्रो क्या है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री मींस इसका बैकग्राउंड क्या है, और फिर इसके स्कोप में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कितना ज़्यादा इसका आजकल स्कोप है और हम इससे कैसे बेनिफिट्स गेन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड इट्स डेफिनेशन. फार्माकोग्नोजी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन. मोस्टली जो हम ड्रग्स ले रहे होते हैं ये एनिमल बॉडीज से ली जाती हैं या फिर प्लांट से ली जाती हैं, और क्रूड ड्रग कहते हैं ड्रग्स इन रॉ फॉर्म में, यानी कि जो अभी अनप्रिपेयर्ड मेडिसिन होती है उसको हम क्रूड ड्रग कहते हैं. लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन इसकी जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी ने दी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ड्रग्स एंड देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एज वेल एज द सर्च फॉर न्यू ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. इनके नेचुरल सोर्सेज से मज़ीद हम डे बाई डे सर्च भी करते हैं न्यू मेडिसिन को, और जो हमारे पास प्रेजेंट होती है मेडिसिन जो हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. प्रॉपर्टीज़ में तीनों प्रॉपर्टीज़ को हमने देखना होता है, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को. तो फिर उसके साथ जो है हम जब उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनके पार्ट्स को पढ़ते हैं तो ये प्रॉपर डेफिनेशन बनती है हमारे पास फार्माकोग्नोसी की. अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन में आता है कि ये वर्ड जो है ना, ये ड्राइव कहाँ से किया गया है या फिर इसका बैकग्राउंड क्या है. इट इज़ बेसिकली द हिस्ट्री. द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन. फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड ग्नोसिस मीन्स नॉलेज, यानी नॉलेज ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी. आप इसको अपने सिंपल वर्ड्स में भी कन्वर्ट करके पेपर में लिख सकते हैं. द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ऑस्ट्रियन फिजिशियन शिम्ट इन 1811 एंड 1815 बाय सैडलर इन अ वर्क. यानी ये दो फिजिशियंस थे जिन्होंने बहुत इनिशियल स्टेजेस पे फार्माकोग्नोसी को डिफाइन किया था. हालांकि उससे भी पहले ग्रीक वर्ड में, अब ग्रीक वर्ड का तो आपको पता है ना, इट इज़ वेरी ओल्डेस्ट कल्चर. ये तकरीबन आज से कोई 3,000-3,500 साल पहले का कल्चर है, लेकिन तब भी मेडिसन्स पे क्योंकि रिसर्चेस की जाती थी और उनको यूज़ किया जाता था, लेकिन वो क्रूड फॉर्म को फिर जो बनाया जाता था, तो ये वर्ड उन्होंने बेसिकली इन्वेंट किया था. बाद में इसको प्रॉपर फॉर्म में जब यूज़ किया गया तो इसको नाम दे दिया गया फार्माकोग्नोसी का. Originally, during the 19th century and the beginning of the 20th century, pharmacognosy was used to define the branch of medicine which deals with drugs in their crude or unprepared form. लेकिन जो proper form में use किया गया है ना ये word pharmacognosy का, ये 19th to 20th century के roundabout किया गया है.